हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई वी पी एस एफ ओ मेस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के पेपर के बारे में और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं पहला क्वेश्चन है वट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल्स पर कैपिटा पर डे बाई आई सी एम आर आई सी एम आर के अकॉर्डिंग जो वेजिटेबल की रिकमेंडेशन है वो कितनी है तो उसका सही आंसर है थ्री हंड्रेड ग्राम पर डे देखो अगर अवेलेबिलिटी पूछे रहते तो उसका आंसर होता थ्री नाइन्टी फाइव थ्री नाइन्टी फाइव ग्राम पर डे और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेशन होगी थ्री हंड्रेड और मिल्क की बात करें तो मिल्क का भी अराउंड होता है थ्री नाइन्टी फोर ग्राम पर डे ये अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं जैसे वेजिटेबल की थ्री नाइन्टी फाइव है और मिल्क की है थ्री नाइन्टी फोर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच टाइप ऑफ मार्केट इज़ मंडी देखो इस क्वेश्चन ने बहुत कन्फ्यूज़ किया था और बहुत से लोगों ने इसका आंसर किसी ने प्राइमरी मार्केट किया है और किसी ने लोकल मार्केट भी किया है तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो है प्राइमरी मार्केट देखो यहाँ मंडी की बात हो रही है मंडी अपने में ही बहुत बढ़िया है जैसे ए मंडी को हम ले लें तो यहाँ क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं अपने एग्रीकल्चर कॉम्योडिटीज़ को सेल करते हैं थ्रू कमीशन एजेंट्स तो यहाँ क्या हो रहा है जो फार्मर है और ट्रेडर है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मार्केटिंग की जा रही है और जो ये प्राइमरी मार्केट होते हैं ये जो एग्रीकल्चर कॉम्योडिटी है उनके सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के पास में ही लोकेटेड रहते हैं जैसे कोई एग्रीकल्चर कॉम्यूडिटी है उसके आसपास ये लोकेटेड रहते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राइमरी मार्केट अदर ऑप्शंस को देखें तो टर्मिनल मार्केट तो हो नहीं सकता फेयर भी नहीं हो सकता और सेकेंडरी मार्केट में तो ट्रेडर टू तो ट्रेडर के बीच में ट्रांजेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो होगा प्राइमरी मार्केट अगला क्वेश्चन है हाउ रेटून क्रॉप इन शुगर केन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन रेटून क्रॉप यहाँ कुछ ऑप्शंस थे पहला है रेटून क्रॉप रिक्वायर्ड लेस नाइट्रोजन दूसरा है मोर नाइट्रोजन एंड uh, तीसरा है रिक्वायर्ड जीरो नाइट्रोजन इसका सही आंसर था कि इट रिक्वायर्स मोर नाइट्रोजन देखो जो रेटून क्रॉप होती है इसमें जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अराउंड टू हंड्रेड के जी नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस की बात करें तो सिक्सटी सिक्सटी के जी की रिक्वायरमेंट होती है चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था कि औरजर्स सटाइवा कौन सी क्रॉप का नाम है इसका आंसर होगा राइस अगला क्वेश्चन था सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्डी ऑफ पी फर्स्ट अकर्ड इन विच पार्ट तो उसका सही आंसर था लीफ देखो जो ये पाउडरी मिल्ड्यू है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बता देता हूँ मैं एराई सी पी पाइसी देखो पाइसम सेटाइवम होता है पी का साइंटिफिक नेम तो उससे आप याद रख सकते हैं एर आई सी पी पाइसी इसका पैथोजन है अगला क्वेश्चन था ट्री प्लस क्रॉप प्लस पास्चर तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं क्रॉप यानी कि एग्रो पास्चर यानी कि पास्चर यानी कि ग्रासेस और ट्री में क्या आ गए सिल्वी तो इसका सही आंसर क्या होगा एग्रो सिल्वी पास्चर ये क्वेश्चन देखो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है मॉस्किटो तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एम्प्लीफाइंग होस्ट ऑफ जैपनीज एनसीफेलिटिस इज ऑप्शन थे पिक मॉस्किटो और भी अदर ऑप्शन थे वो अभी हमें मिल नहीं पाए तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर किसी ने मॉस्किटो किया है किसी ने पिक किया है देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पूछा गया है एम्पलीफाइंग होस्ट तो इसका सही आंसर होगा पिक अगर ये पूछा जाता कि जैपनीज एंसिफेलिटीज इज स्प्रेड बाय किसके कारण फैलता है अगर ऐसा पूछे रहते क्वेश्चन में तो उसका आंसर होता मॉस्किटो चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रूट नेम ऑफ रोज ऑप्शन थे बलस्ट्रा दूसरा था हिप सही आंसर था हिप देखो जैसे इस क्वेश्चन के हम हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे अगर आपको इसके अदर ऑप्शन भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगला क्वेश्चन था कि जो अनियन है इसमें पंजेंसी किसके कारण होती है इसका सही आंसर था एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड अगला क्वेश्चन था कि सिक्स थाउजेंड इज़ प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑन एयरली बेसिस अंडर विच वेलफेयर स्कीम देखो क्वेश्चन की मीनिंग तो सेम थी चाहे लैंग्वेज थोड़ी अलग हो पेपर में वहां यह पूछा गया था कि किस वेलफेयर स्कीम के अंडर सिक्स थाउजेंड रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इसका सही आंसर था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान निधि अगला क्वेश्चन था सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट सॉइल के मॉइस्चर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दो ऑप्शन हमें याद थे एक है हाइग्रोमीटर दूसरा था टेंशियोमीटर सही आंसर था इसमें टेंशियोमीटर देखो अदर टूल्स भी हैं जिससे हम सोइल मॉइस्चर को मेजर कर सकते हैं जैसे है जिप्सम ब्लॉक न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर और प्रेशर प्लेट एपरेटस तो ये कुछ अदर एप भी हैं जिनका यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप पूछा गया था ऑप्शंस कुछ ये थे इसका जो सही आंसर था वो था सोरोसिस देखो सोरोसिस की बात करें तो कुछ और भी फ्रूट्स हैं जैसे जैक फ्रूट है मलबरी है इनका भी फ्रूट टाइप सोरोसिस होता है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन था पेंडिमिथिलीन इज यूज अगेंस्ट तो पेंडीमिथिलीन एक तरीके का हर्बिसाइड होता है और इसको यूज किया जाता है अगेंस्ट वीड चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं डिस्कवरी ऑफ विच मोजेक वायरस वॉज डन इन 1886 एट्टी सिक्स बाई एडोल्फ मेयर तो एडोल्फ मेयर ने 1886 में कौन से मोजेक वायरस को डिस्कवर किया था इसका सही उत्तर था टोबैको एक और क्वेश्चन था उसमें इस्मोधर क्रॉप के बारे में पूछा गया था तो जो इस्मोदर क्रॉप क्या होता है ये ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ वीड्स जिनका फॉलिज बड़ा होता है या स्प्रेडिंग टाइप नेचर होता है जिन क्रॉप्स का तो उनको यूज़ किया जाता है वीट के ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए एक और क्वेश्चन था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत भी किया है क्योंकि यहाँ पूछा गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत लोग इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करके आए हैं क्वेश्चन पूछा गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर पर तो डिक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले जिसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो रहेगा फर्स्ट में यानी कि क्ले दूसरे नंबर पे सिल्ट और तीसरे पे सेंट यानी कि सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा क्ले सिल्ट सेंट एक और क्वेश्चन था एल्कली सॉइल यानी कि सोडिक सॉइल इज रिक्लेम्ड बाय यूजिंग विच अमेंडमेंट तो इसका सही आंसर था जिप्सम एक और क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था नाबार्ड में भी पूछा गया था और पिछले साल यानी कि 2019 में भी आई बी पी एस में भी पूछा गया था कि द प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप इन पी एम एफ बी आई इज सही आंसर था इसका 1.5 परसेंट चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं व्हाट इज द एसएनएफ ऑफ काओ मिल्क अकॉर्डिंग टू पीएफए पीएफए यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन इसका सही आंसर था 8.5 परसेंट देखो ये क्वेश्चन पेपर में क्यों पूछा गया था देखो रिसेंटली क्या हुआ था जो एफ था इसने जो स्टैंडर्ड मिल्क है उसमें जो एस की क्वांटिटी होती है एस यानी कि सॉलिड नॉट फैट एक होता है फैट दूसरा होता है सॉलिड नॉट फैट तो इसका जो स्टैंडर्ड परसेंटेज था वो चेंज कर दिया था 8.5 से और फैट कंटेंट की बात करें तो फैट कंटेंट होता है 4.5 परसेंट स्टैंडर्ड मिल की बात हो रही है तो फ एस एन एफ तो होना चाहिए 8.5 और फैट होना चाहिए 4.5 एक और क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि कौन सी रॉक इसमें सेडिमेंट्री रॉक नहीं है तो इसका सही आंसर था ग्रेनाइट एक और क्वेश्चन था इसमें फैमिली पूछी गई थी मस्टर्ड की इसका सही आंसर था क्रोसीफरी ये क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन हमारा जो हमने मॉडल पेपर अपलोड किया था एक दिन पहले उससे आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूरोपियन बी इसका सही आंसर है एपिस मेली फ्लैरा चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन था टू फोर डी इज़ यूज एज ग्रोथ रेगुलेटर एज वेल एज हर्बिसाइड देखो इसके अदर ऑप्शन हमें मिले नहीं थे तो हमने इसका सीधा आंसर लिखा है हर्बिसाइड ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से था आप जाकर चेक कर सकते हैं हमने एग्जाम के एक दिन पहले अपलोड किया था वहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि ब्लॉसम एंड रॉट इज़ अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप एंड कॉज बाय विच डिफिशियंसी इसका सही आंसर था टोमेटो एंड कॉज बाय कैल्शियम डिफिशियंसी चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सो इज कॉल्ड सो यानी कि फीमेल पिग पिग की, की बात चल रही है पिग में जो ये पार्चुरेशन यानी कि गिविंग बर्थ इज कॉल्ड फेरोइंग सही आंसर है फेरोइंग किडिंग को हम यूज करते हैं गोट के केस में यानी कि बकरी के केस में पपिंग को यूज़ किया जाता है डॉग्स के केस में और लैम्बिंग को यूज किया जाता है सिप के केस में यहाँ पर सही आंसर था फेरोइंग अगले क्वेश्चन पर आते हैं एनामोक्स इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ विच नेचुरल साइकिल ऑप्शंस थे नाइट्रोजन साइकिल फॉसफोरस साइकिल सल्फर साइकिल एंड कार्बन साइकिल सही उत्तर था नाइट्रोजन साइकिल एनामॉक्स की बात करें अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे एनामोक्स की फुल फॉर्म में बता देता हूँ एना मतलब होता है एनारोबिक और जो ये ए डबल एम ये है एमोनिया और जो लास्ट में ऑक्स लगा है ये है ऑक्सीडेशन तो फुल फॉर्म है इसकी एनारबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है अमोनिया का कन्वर्जन किया जाता है नाइट्रोजन में एक क्वेश्चन लेट ले ले ब्लाइट पर भी पूछा गया था कि लेट ले ब्लाइट इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच क्रॉप तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसका सीधे सीधे आंसर था पोटैटो लेट ब्लाइड पोटैटो की बात करें तो 1843 में पहले रिपोर्ट किया गया था 1843 ये क्वेश्चन ये मैं बार बार डिस्कस करता था कि एम एस पी फॉर क्रॉप इज रिकमेंडेड बाय आपको बताना था ऑप्शन थे नैफेड सी सी ई ए और ये था सी एस सी पी आंसर क्या था सी एस सी पी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एक मैंने एम पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने एम की पूरी हिस्ट्री उसकी कैलकुलेशन मेथड और उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई गई हैं ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी हैं अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्ले पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था रेटिंग इज अ प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड टू यहाँ पर को आपको बताना था कि कौन सी क्रॉप से ये रिलेट करता है ऑप्शन थे टोमेटो वीट पैडी और जूट बहुत लोग कह रहे थे कि जो क्वेश्चन था उसमें रेटिंग पूछा गया था आर ए टी आई एन जी और जूट की बात करें तो जूट के केस में होता है रेटिंग आर ए डबल टी आई एन जी अगर रेटिंग पूछा गया हो तो उसका आंसर होगा जूट और अगर रेटिंग पूछा गया है तो उस केस में होगा पैडी देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था फिसरीज से कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पॉन्ड फॉर सिर्म तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे इसका एक ऑप्शन था सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स टू डिस्चार्ज एफ्लुएंट इन टू नेचुरल पॉन्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन ब्लोड एक दूसरा ऑप्शन था इट इज़ डन बिफोर स्टॉकिंग ऑफ सिरम्प एक ऑप्शन और था ये इट इज़ डन आफ्टर हारवेस्टिंग ऑफ सिरम्प तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एफिलुंट ट्रीटमेंट पॉइंट होता क्या है एफिलट ट्रीटमेंट पॉइंट यानी कि इसमें क्या क्या जाता है एफिलट uh, का मतलब पहले बता देता हूँ इसका मतलब होता है वेस्ट और जो रेसिडअल वाटर होता है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर सिरिम सिरम कल्चर में जैसे अगर हमें सिम का कल्चर करना है तो यहाँ क्या होता है कि अगर पॉइंट में अमोनिया का ज़्यादा डिसोल्यूशन हो जाता है तो सिरम क्या होता है अमोनिया के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है अमोनिया को डिजोल्व करना है और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव करना है फ्रॉम द पॉन्ट तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेडिमेंटेशन तो सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है जो जितने भी हैवी पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जितने भी पॉइंट जीरो वन एम एम साइज से बड़े जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है ये क्या कर सकते हैं जो सरिम्प है उसके गिल्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं तो इस केस में क्या किया जाता है सेडिमेंटेशन तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा सेडिमेंटेशन तो जिन लोगों ने यह आंसर चूज किया है तो उनका यह आंसर सही है सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल टू डिस्चार्ज एफ्लुएंट इंटू नेचुरल पॉन्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन लोड चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं मोल्ड बोर्ड प्लो इज यूज फॉर विच पर्पज ऑप्शन थे प्लोइंग प्लैंकिंग हेरोइंग सही आंसर है प्लोइंग यह क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था द सुपीरियरिटी ऑफ एफन प्रोजेनी ओवर पेरेंट्स इज कॉल्ड ऑप्शन थे इनब्रीडिंग ब्रीडिंग हेट्रोसिस ओवर डोमिनेंस डोमिनेंस सही उत्तर था इसमें हेट्रोसिस अब इसमें पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग की बात करी गई है कि इसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है सही आंसर था कॉल एक क्वेश्चन है फूड टेक्नोलॉजी से पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फैट ग्लोब्यूल इन यूनिफॉर्म साइज इज नोन एज आंसर है इसका होमोजेनाइजेशन एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्रेडिट फॉर केवी के यानी कृषि विज्ञान केंद्र सक्सेस गोस टू देखो यहाँ दो चीज़ें हैं बहुत से लोगों ने मोहन सिंह मेहता किया है और काफ़ी लोगों ने मंगला राय किया है तो जिन्होंने मंगला राय किया है उनका आंसर सही है मोहन सिंह मेहता की बात करें तो जो के को पहले एस्टेब्लिश किया गया था यानी कि इसके इसके लिए कमेटी बनाई गई थी आई के द्वारा तो उसको हेड किया था मोहन सिंह मेहता ने और के, के की जो सक्सेस थी उसका क्रेडिट जाता है मंगला राय को तो इसका सही आंसर होगा मंगला राय एक क्वेश्चन ये था कि क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज अल्टरनेटिवली इस पर ध्यान देना अल्टरनेटिवली तो इसको क्या कहा जाएगा ऑप्शन थे बैक क्रॉस आउट क्रॉस क्लोज ब्रीडिंग तो इसका सही आंसर जो था वो था क्रिस क्रॉस तो यानि कि अगर हम आ, किसी स्पीसीज में क्रॉसिंग करेंगे अल्टरनेटिवली तो उसको कहा जाएगा क्रिस क्रॉस एक क्वेश्चन ये एंटोमोलॉजी से पूछा गया था पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच ऑर्डर यहाँ ऑर्डर दिए गए थे हेमिप्टेरा लेपिडोप्टेरा तो इसका सही आंसर था हेमिप्टेरा ये क्वेश्चन था फूड साइंस से आर टेस्ट इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेरी प्रोडक्ट तो इसका जो सही आंसर था वो था घी घी के लिए यूज़ किया जाता है आरएम टेस्ट देखो जो आरएम टेस्ट है ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है इस इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो घी में फैट्स हैं उसमें से कितना वॉलेटाइल फैटी एसिड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन ये था बॉन्ड बिटवीन पैरल एंड एंटी पैरल स्टैंड ऑफ डी कौन सा बॉन्ड होता है ये बताना था सही उत्तर था इसका एच बॉन्ड एक ही क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिल्क प्रोटीन ऑप्शन ये दिए गए थे सही उत्तर था इसका सेरिसिन एक क्वेश्चन ये था द ऑफ टाइफ प्लांट इन मेल फील्ड इज नोन एज तो उसको कहा जाता था रोक क्रॉप देखो क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है हो सकता है पेपर में ये पूछा गया हो कि द रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट इन द मेन फील्ड इज कॉल्ड तो उसको रोगिंग कहेंगे अगर क्रॉप पूछा गया है तो रोक क्रॉप कहेंगे उसे चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं ड्रॉपिंग द सीड इन फॉरो लाइन इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम एंड कवरिंग दैम विद द दॉयल इज नोन एज उसको कहेंगे हम ड्रिलिंग चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्रोजेनि ऑफ ब्रीडर सीड इज कॉल्ड ऑप्शन थे न्यूक्लियस फाउंडेशन रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड तो इसका सही आंसर था फाउंडेशन सीड देखो अगर हम बात करें शुरुआत से तो सबसे पहला जो सीड है वो है न्यूक्लियर सीड या हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर सीट न्यूक्लियस सीट का जो प्रोजेनी होती है वो होती है ब्रीडर सीट ब्रीडर सीट की प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीट और फाउंडेशन सीट की प्रोजेनी होती है सर्टिफाइड सीट टैक कलर की बात करें तो जो सबसे पहले न्यूक्लियस सीट था इसमें कोई टैक कलर नहीं होता और इसके बाद हमने बात करी थी ब्रीडर सीट की तो ब्रीडर सीट का जो टेक कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो और फाउंडेशन सीट इसका होता है वाइट टेक कलर और सर्टिफाइड सीट के, के केस में इसका टैक कलर होता है एजोर ब्लू देखो एक और क्लास आता है ट्रूथफुली लेवल सीट इसके लिए भी टैक कलर होता है वो होता है ओपल ग्रीन यह है ट्रूथफुली लेवल सीट के लिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं ये क्वेश्चन था एनिमल हजबेंड्री से हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री यूज इन कॉमर्शियल लेयर फार्मिंग हैविंग डायमेंशन इसमें डायमेंशन दी गई थी 14 इंटू सिक्सटीन इंचज और हाइट दे रखी थी 17 इंचेस तो इसमें जो सही आंसर था वो था बैटरी केज इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था 14 इंटू सिक्सटीन इंचज तो ये डायमेंसन आते हैं हमारे बैटरी केज हाउसिंग सिस्टम में तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं व्हाट इज़ द टाइम फॉर प्री सीजनल प्लांटिंग ऑफ शुगर किन ऑफ फिफ्टीन टू सिक्सटीन मंथ इन महाराष्ट्र अगर हम ये फिफ्टीन टू सिक्सटीन वाले में गौर करें तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये शुगर किन की क्रॉप है वो अठ साली वाली है अठ साली में क्या होता है ट्वेल्व टू एट्टीन मंथ की क्रॉप होती है तो उस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो होता है जुलाई टू अगस्त पर अगर यहाँ पर अगर हम प्री सीजनल प्लांटिंग को देखें तो इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर मे बी वेरी मतलब इसका आंसर चेंज कर सकता है अभी इसका आंसर क्लियर नहीं है हो सकता है ये जून टू जुलाई हो या जुलाई टू अगस्त हो अभी इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है जब तक आंसर की नहीं आ जाती है अगला क्वेश्चन था प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन टू स्पीसीज और वेराइटी ऑफ प्लांट इस कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रेडाइजेशन जिन्होंने भी सोमेटिक हाइब्रेडाइजेशन किया है उनका आंसर सही है क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन ये क्लियरली मेंशन था तो उनका आंसर क्या होगा सोमेटिक हाइब्रेडाइजेशन एक क्वेश्चन यहाँ पर था जिसमें पॉमग्रेनेट की एक डिसऑर्डर बताई गई थी तो यहाँ पर इस डिजीज का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था जैसे द पोमग्रेनेट इन विच एरिलर डिसइंटीग्रेशन वेयर एरिल बिकम सॉफ्ट लाइट क्रीमी ब्राउन टू डार्क ब्लैक इज ब्राउन एंड अनफिट फॉर कंजन एंड द डिफिशियंसी इज नॉट सी एक्सटर्नली एक्सटर्नली इसकी डिफिशियंसी नहीं दिखती है इसका आंसर था इंटरनल ब्रेक डाउन जिन्होंने भी इसको चूज किया था उनका आंसर सही है एक क्वेश्चन पूछा गया था स्क्रैचिंग रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीट कोड टू मेक इट परमीएबल फॉर वाटर एंड गैस इज कॉल्ड सही आंसर था इसका स्केरिफिकेशन अगले क्वेश्चन पर आते हैं द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकून इज नोन एज जो सिल्क का कोकून होता है उससे अगर हम सीट को सॉरी जो हम सिल्क है अगर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते क्या हैं इसका आंसर था रीलिंग अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैव सिकल सेप्ड हॉर्न यानी कि बफेलो की कौन सी ब्रीड है जिसके हॉर्न यानी कि सींग सिकल सेप्ड होते हैं यानी कि ऐसे सिकल सेप्ड इसका सही आंसर था सुरती एक और क्वेश्चन था द सीक्रेशन ऑफ मिल्क बाय ग्लैंडोरल सेक्रेटरी टिश्यू बाय मिल्क एनिमल्स एंड देयर कलेक्शन इन वेरियस सिस्टम टर्मिनेटिंग इन द लेट डाउन विच सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक स्टिम्युलाई इज कॉल्ड लेक्टेसन सही आंसर था इसका लेक्टेसन देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था जूनोसिस एक चीज मैं बताना चाहूंगा अगर आप लोग ये सोचते हैं कि करेंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं आता ये देखिए उसका एग्जाम्पल जूनोसिस जूनोसिस क्यों है एग्जाम्पल में क्योंकि रिसेंटली जो बर्ड फ्लू था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था तो ये टर्म्स बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स या बहुत सारी जगह इसको कवर किया गया था या यूज़ किया गया था जूनोसिस के बारे में इसलिए इसको एग्ज़ाम में पूछा गया तो जूनोसिस होता क्या है इट इज़ ए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन अगर कोई डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको कहा जाएगा जूनोसिस एक और क्वेश्चन पूछा गया था एक बीटल था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि बीटल हैविंग हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन इन हेड एंड हैव ब्लैक बॉडी एंड इट इज ऑल्सो ए पेस्ट ऑफ कोकोनट तो इसका आंसर था राइनोसोरस बीटल एक और क्वेश्चन था बॉडेक्स मिक्सचर इज कॉपर फंजीसाइड चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं मिल्क कलर ऑफ बफेलो इज मोर वाइटर देन काउज मिल्क वाई यहाँ पर रीजन बताना है कि जो हमारी भैंस है उसका दूध ज़्यादा वाइटर क्यों होता है काओ के मिल्क के मुकाबले जो काउ का दूध होता है उसके मुकाबले भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद क्यों होता है ऑप्शन थे पहला ऑप्शन तो था ड्यू टू हाई फैट परसेंटेज इन बफेलो मिल्क ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इन विटामिन ए हाई कंटेंट ऑफ बीटा कैरोटीन इन बफेलो और एक और ऑप्शन था रैब ऑफ कंटेंट इन बफेलो मिल्क तो इसका सही आंसर था ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इन विटामिन ए विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए कलरलेस होता है जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें बीटा कैरोटीन कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में इसलिए इसका कलर मोर वाइटर होता है एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेगेटिव कोरिलेशन टू एडॉप्शन एडॉप्शन के नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है उसका सही आंसर था कॉम्प्लेक्सिटी जिन्होंने भी कॉम्प्लेक्सिटी किया है उनका आंसर सही है अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन था टाइम फॉर बैक और फ्रूट प्रोनिंग एंड फॉरवर्ड और फाउंडेशन प्रोनिंग इन ग्रेप इज डन ड्यूरिंग विच मंथ तो उसके ऑप्शन एक ऑप्शन था फेबररी मार्च एंड नवंबर दिसंबर दूसरा ऑप्शन था अप्रैल मई एंड अक्टूबर नवंबर तो इसका ऑप्शन बी सही है अप्रैल मई में की जाती है बैक प्रूनिंग और अक्टूबर नवंबर में की जाती है फॉरवर्ड प्रूनिंग अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन था रिकेट्स इंड चिल्ड्रन्स एंड मिल्क फीवर इन काओ इस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल तो इसका सही आंसर था कैल्शियम कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स और मिल्क फीवर होता है इन काओ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्नीस इज द जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल बाय मेंटेनिंग हाइयर सी एन रेशो थ्रू स्टिमुलेटिंग हेट्रोटॉफिक माइक्रोबियल ग्रोथ विच एसीम्युलेट द नाइट्रोजिनस वेस्ट दैट कैन बी एक्सप्लोर्टेड बाय द कल्चर्ड स्पीसीज एज अ फीड तो पहले मैं तो ये बता दूँ ये क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है सी एन रेशो को मेनटेन किया जा रहा है थ्रू स्टिमुलेटिंग हेट्रोटॉफिक माइक्रोबियल ग्रोथ जिसके द्वारा क्या किया जाएगा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर दिया जाएगा जिसके बाद जो कल्चर्ड स्पीसी या बोल रहे हैं फिश हैं वो उसको एज ए फीड यूज़ कर सकती हैं इसका आंसर था बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग देखो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में क्या किया जाता है जैसे अगर हम फिश फार्मिंग में देखें तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले कार्बन सोर्स देखें तो इसमें क्या किया जाता है पॉन्ड यानी कि जो फिश का पॉन्ड है उसमें मोलासेस मोलासेस्कोड किया जाता है तो मोलासेस यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन का सोर्स और जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो तो अमोनिया पहले से ही प्रेजेंट है अमोनिया कहाँ से आया जो फिश क्या करती है एक्सरिटा फिश से क्या होता है अमोनिया निकलता है तो अमोनिया से नाइट्रोजन आ गया और मोलासेस से कार्बन आ गया तो इन दोनों का रेशो अगर मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा जो हैट्रोटॉफिक माइक्रोबियल ग्रोथ है वो फॉर्म फॉर्म हो जाएंगे माइक्रोबियल ग्रोथ जिसके कारण क्या होगा फ्लॉक फॉर्मेशन होगा तो जो ये फ्लॉक है ये एज ए फीड फिश यूज करेगी फॉर देयर कंजप्शन तो यहां पर क्या कर रहे हैं जो वेस्ट है अमोनिया है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है बाय मेंटेनिंग सी एन रेशो तो इसका सही आंसर था बाय फ्लॉक फिश फार्मिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथेरा माइलेटा आपको बताना था कि कौन सा सिल्क है जिसका साइंटिफिक नेम एंथेरा माइलेटा है ऑप्शन थे मोगा ट्रॉपिकल मोगा मलबरी सिल्क वॉन्ग ट्रॉपिकल टसार या एरी सिल्क वाम इसका आंसर था ट्रॉपिकल टसार सिल्क वाम तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग थी और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके एक या दो ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे अगर आपको कुछ ऑप्शनस याद थे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इसके ऑप्शनस मैं अपडेट कर दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो दोस्तों देखते रहिए एग्रीवर्स एजुकेशन को मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर